गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा ने सभी, हमने जो सेवन चैप्टर है आपका डेसिमल, उसके बारे में पढ़ा। हमने कल ऐड करना सीखा था कि हम डेसिमल को ऐड कैसे कर सकते हैं सेवन उसमें सी में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7D। अब हम डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे कि हम डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्ट, क्या करना सब्ट्रैक्ट आपको 27.86, ये क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है फ्रॉम 53.74, यानी कि 53.74 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 27.86। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रॉम वाला, जिसमें से आपको माइनस करना है सबसे पहले वो लिखेंगे। क्या लिखा मैंने 53.74, ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 53.74 जो ले लिखा था फ्रॉम वाला। ठीक है, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे 27.86, क्या लिखेंगे 27.86 लिखा है मैंने। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, जो प्लेस वैल्यू है उसके नीचे प्लेस वैल्यू आनी चाहिए हमारी, ये ध्यान रखना है। बस सिंपली आप क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 4 यहाँ 6 है तो हम क्या लेंगे कैरी लेंगे, यहाँ क्या लेंगे आपका 14 में से 6 गया, कितना बच गया आपके पास 8, यहाँ क्या बच गया आपके पास 6 बच गया, यहाँ फिर छोटा रह गया हमारे पास नंबर, फिर हमने यहाँ से कैरी ली, कितना बढ़ गया यहाँ 16 में से 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा मेरे पास 8। डेसिमल का डेसिमल हम ऐसे के ऐसे लगाएंगे, आगे बच गया आपके पास क्या 12, यानी कि 2 में से 7 नहीं माइनस कर सकते, दोबारा से फिर हम क्या लेंगे कैरी लेंगे, यहाँ क्या आ गया मेरे पास 12 में से 7 गए, कितना बच गया मेरे पास 5। ओके, आगे यहाँ बच गया आपके पास 4 में से 2 गया 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 25.88 आपका आंसर, समझ में आया। ओके, आगे देखो 56.8, फोर्थ क्वेश्चन आपका 56.8, ये क्या करना है आपको माइनस करना है किसमें से फ्रॉम 204, इसमें डेसिमल नहीं दे रखा, देखो इसमें इसमें क्या नहीं दे रखा आपके पास डेसिमल नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम वाला लिखेंगे हम, फ्रॉम में क्या है 204, ऐसा कैसा लिख दिया हमने, माइनस करना है क्या 56.8, तो हमने जो डेसिमल जो प्लेस वैल्यू उसके नीचे वैसे ही वैसे लिखनी है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 56.8। ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो हम क्या लगेंगे डेसिमल लगा सकते हैं, डेसिमल 0 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ डेसिमल 0। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ये लाइक डेसिमल बन गया, अब हमारे पास बन गए ना, अब क्या कर दो सिंपली सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, क्या लिया हमने कैरी, यहाँ का बन गया 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 3, 13 में से 7 गए, सॉरी 13 में से 6 गए 7, यहाँ बच गया आपके पास 0 का 0, यानी कि यहाँ से कैरी ली थी हमने, देखो यहाँ से कैरी ले ली तो यहाँ से ली थी, यहाँ क्या बच गया आपके पास 1, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा आपके पास 13 में से 6 या 7 बच गया आपके पास, यहाँ 9 में से 5 गए 4 और यहाँ 1 का 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 147.2, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। ठीक है, इसी तरह है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो पहले सबसे क्या लिखेंगे फ्रॉम वाला 206.2, यहाँ लिखेंगे 127.38 इसके नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे लाइक डेसिमल चेंज करेंगे, इसके डिजिट कितने हैं 2 डिजिट, इसमें भी क्या बनाएंगे हम 2 डिजिट बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 0, 2 डिजिट बनाने के लिए लाइक डेसिमल बनाने के लिए यहाँ क्या लिख दिया मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या सिंपली क्या कर दो माइनस, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 11 में से 3 गए 8, पॉइंट का डेसिमल ऐसे कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, आगे बच गया यहाँ कितना 5, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बच गया आपके पास 0, यानी कि 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया आपके पास 1 में से 1 गया 0, तो आपके पास 88.82 ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। इसी तरह आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपके पास
3.4 क्या है, 3.4 में से क्या माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 0.612। सबसे पहले फ्रॉम वाला लिखेंगे 3.4 और 0.612। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैक डेसिमल में चेंज करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, कौन सा स्टेप रहेगा, लैक डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बनाएंगे हम, क्या लगा देंगे हम 0 0। ठीक है, अब क्या कर दो, माइनस माइनस कर लोगे आप। ठीक है,